जब बैक टू बैक शूटिंग कर रहे हो आप तो बीच में ब्रेक तो बनता है, उसमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो उसके बीच में ब्रेक नहीं बनता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप, देख बिना ब्रेक। मध्य प्रदेश में 15 साल के बाद सत्ता में आई कांग्रेस की सरकार पर खुद ही उसके अपने नेता बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं। इसकी तस्दीक के लिए आपको दो उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो बीते कुछ दिनों से कमलनाथ सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सरकार के मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर भी उंगली उठाई और कहा कि इसमें लोग पकड़े तो जा रहे हैं लेकिन छोड़ भी दिए जा रहे हैं। जहां जहां मिलावट पकड़ी जाए वहां सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं, जेल के सलाखों के पीछे इन लोगों को डाल दें। और मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री जी को कि भोपाल में भी बैठकर आप स्वतः मॉनिटरिंग करिए इन केसेस की, और कलेक्टर साहब और एसपी साहब और हमारे दोनों विधायक और प्रद्युम्न को भी मैं कहना चाहता हूं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाए, क्योंकि कई कहानियां मैं सुन रहा हूं कि छापा पड़ता है और उसके बाद छोड़ा जाता है। अगर छापा पड़े और वहां कुछ पकड़ा जाए, मंत्री जी आपके विभाग से निर्देश निकलने चाहिए कि आपके ऑर्डर बिना कोई भी केस क्लोज नहीं होना चाहिए। यही नहीं, सिंधिया के अलावा कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह भी लगातार सरकार को घेरते रहे हैं। पहले कर्ज माफी पर सवाल खड़े किए और अब चचौड़ा को जिला बनाने की मांग को लेकर खुद के भाई के घर पर धरना दे दिया। हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय दिग्विजय सिंह जी दोनों जाके सार्वजनिक रूप से वहाँ घोषणा करेंगे और नया जिला बन जाएगा, क्योंकि चाचौड़ा जिला बहुत पिछड़ा है। हम लोगों ने इतनी बार वहाँ प्रतिनिधित्व किया है, भाई साहब स्वयं वहाँ सीएम रहे हैं, उसके बाद भी जिला इतना पिछड़ा है, तो हम लोगों का दायित्व बनता है। बार बार चाचौड़ा के मतदाताओं ने हमें चुन चुन कर भेजा, मुझे 5 बार लोकसभा में भेजा, 1 बार विधानसभा में भेजा, 6 बार भाई साहब को 3-3, 4-4 चुनाव जितवाए, और कांग्रेस पार्टी के विधायक वो हमेशा रहे। तो इन सब बातों को देखते हुए हमारा भी फर्ज बनता है कि आज हमारी सरकार है तो विधिवत घोषणा करें और इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। वहीं बीजेपी लगातार कांग्रेस नेताओं द्वारा अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने पर तंज कस रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि जब कांग्रेस के अपने ही उस पर उंगली उठा रहे हैं, ऐसे में इस पर क्या बोले। युद्ध पकड़ के छोड़ने के बाद पैसा वसूलने के लिए, ऐसे युद्धों से कोई लाभ नहीं होगा। और हम नहीं कह रहे, अब कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, अब निभाओ, अब नहीं निभा रहे तो वहीं अंदर से भी विरोध हो रहा है। पता नहीं कितने वादे कर दिए, अब ये वादे पूरे करने चाहिए। कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि कांग्रेस की हालत भी है कि माँ और बेटे की कांग्रेस अलग अलग हो गई। दिल्ली में माँ की कांग्रेस अलग है, बेटे की कांग्रेस अलग है। मध्य प्रदेश में देखें तो ज्योतिरादित्य जी की कांग्रेस अलग है, कमलनाथ जी की अलग है, दिग्विजय जी की अलग है, अजय सिंह की अलग है, अरुण यादव की अलग है, पचौरी जी की अलग है। कांग्रेस तो टुकड़ों टुकड़ों में बिखर के ऐसी पार्टी बन गई है कि जो खुद अपने अस्तित्व को समाप्त करने में लगी है। दरअसल बीते 10 महीनों में कांग्रेस नेताओं ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी ही सरकार को घेरा है, कभी मंत्रिमंडल को लेकर तो कभी कर्ज माफी को लेकर, कभी बाढ़ राहत राशि को लेकर तो कभी मिलावट के खिलाफ चल रहे अभियान को लेकर। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि पार्टी में इन नेताओं को किस बात की टीस है जो वो लगातार सार्वजनिक रूप से अपनी ही पार्टी की मुश्किल से बनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट।